हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर आरिफ खान एकेडमी ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन सीरीज चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेज आते हैं, बट थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी हमारी, चल रही है। कम्युनिकेशंस के आज लास्ट वीडियो हैं, इसमें हम लोग स्पेस कम्युनिकेशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिनट ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है, मेरे एक बहुत क्लोज स्टूडेंट को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जो आज ही डेथ कर गया। इरफान नाम है उसका और वो ट्वेल्थ का एस्पायरेंट था। इस बार हमारे यहाँ से वो ट्वेल्थ का फेयरवेल मैंने उसे एक महीना पहले दिया था। मुझे याद है दिसंबर में इरफान हमारी कोचिंग से रिलीज़ किया था मैंने, और बेस्ट विशेस की थी कि आपके ट्वेल्थ के पेपर अच्छे जाएँ। बट नियति को कुछ और मंजूर था, इरफान हमारे बीच नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ फिर उसके घर पे भी। तो आज का जो वीडियो है कम्युनिकेशंस का, ये मेरे इरफान को डेडिकेटेड है और उनके सारे दोस्तों को, कि वो हिम्मत रखें। और घटनाएं होती हैं और हमें सीख लेने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि इरफान को जन्नत फिरदौस में जगह मिले, अल्लाह से दुआ है मेरी। और मैं अपने इस क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज हम लोग कम्युनिकेशंस के लास्ट लेक्चर पर हैं और जैसे कि हमारा हेडलाइन है, स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन। आप इसको बस यूँ समझ सकते हैं कि जो लगातार हम लोग कम्युनिकेशंस की वीडियो पे हैं, कि बातचीत करते हैं, मैसेज देते हैं, मैसेज आप देते हैं तो एक करियर वेव उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कराती है उस मैसेज को। तो करियर वेव यहाँ पर जो हम लोग स्पेस में यूज़ करते हैं, डेट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10^4 हर्ट्ज से लेकर के 10^11 हर्ट्ज तक होती है। जो करियर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल हो किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अप्रोक्स 10^4 हर्ट्ज से लेकर के 10^11 किलो हर्ट्ज तक होती है। और उसके जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो लगभग 1 mm से लेकर के 30 किलोमीटर के रेंज तक उसके वेवलेंथ का रेंज होता है। उससे ऊपर के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर और बात करें कि हम उससे कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, आप यूँ समझिए कि आप एक क्लोज रूम में दो दोस्त हैं और आप लोग बॉल को एक दोस्त दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और आप लोग पकड़ रहे हैं। तो मान लो कि मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जो उस तरफ खड़ा है, तो मैं ट्रांसमीटर हूँ, मेरा वो फ्रेंड रिसीवर है और बॉल एक मैसेज है। तो मैं बॉल उस तक तीन तरीके से पहुँचा सकता हूँ अपने दोस्त तक। या तो मैं उसको अपने सरफेस पर इस पक्का पे रोल करा दूँ, सीधे घुरका दूँ, वो वहाँ तक चला जाएगा, मतलब ग्राउंड होते हुए। या मैं स्ट्रेट अगर बॉल सीधा फेंकूँ वो उसको पकड़ेगा, या मैं फिर स्काई में, स्पेस में उसको प्रोजेक्ट कर दूं ऊपर की तरफ और यूं जा करके फिर वो अपने हैंड में उसको कैच करेगा। दिस इज द थ्री वे बाय विच बॉल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दिस इज द सेम थिंग स्पेस कम्युनिकेशंस में भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक करियर वेव की तरह से काम करती है, बॉल एक मैसेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीन तरीके से प्रोपोगेट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, सरफेस टू सरफेस मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड,
और एक स्ट्रेट, मतलब जैसे आपने बॉल को स्ट्रेट फेंका था, मतलब लाइन ऑफ साइट, मतलब आप स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, और एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऊपर की तरफ फेंका, एक सर्टेन आयनोस्फीयर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, वहां से फिर रिफ्लेक्शन हुआ और फिर वो बैक रिसीवर के पास गया। दिस आर थ्री मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनडायरेक्टली मैंने ब्रैकेट में दिया है कि स्पेस कम्युनिकेशन जो है नथिंग बट द, हम लोग चर्चा किसके बारे में करने जा रहे हैं, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन में सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि बॉल को आप सरफेस टू सरफेस भेज रहे थे, जमीन होकर के रोल करा रहे थे, तो हम लोग ग्राउंड वेव कम्युनिकेशंस पे बात करना चाहते हैं। अब आओ, अगर ग्राउंड वेव अगर कम्युनिकेशंस की बात करें, तो देखो आप जानते हैं कि अर्थ एक कर्व पाथ की तरह से एक गोला है। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशंस में दोनों जो पर्सन होना चाहिए वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होना चाहिए। अब यहां पर पर्सन आप भूल जाओ, ये आपकी ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये जो है आपकी रिसीविंग एंटीना है, ये एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका ग्राउंड वेव कम्युनिकेशंस पॉसिबल है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ग्राउंड वेव काफी लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, मीडियम वेव भी कहते हैं इसको हम लोग। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट लगभग 50 किलोहर्ट्ज से होती है और खत्म लगभग 1500 किलोहर्ट्ज पर हो जाती है। ये ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का रेंज है जो आपके सामने लिखा हुआ है। होता क्या है, यह आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, जब यहां से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आपका चलता है तो कुछ दूर चलते 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 यह डाई कर जाता है, यह मर जाता है। अगर मैं इसको डिटेल में अगर आपको बताऊं तो दो तीन बातें आपको समझनी होगी कि ग्राउंड वेव कम्युनिकेशंस बहुत लंबा नहीं भेज सकते आप, लोकल कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल रेडियो वगैरह के लिए आप करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैंने लिखा है कि ग्राउंड वेव जो है वो गाइडेड बाय द अर्थ। ग्राउंड वेव किसके द्वारा गाइड होती है, अर्थ के द्वारा गाइड होती है। एंड बेंड, ये क्या होती है, देखिए मैंने ग्राउंड वेव को यहां पर दिखाया है, ये आपकी ग्राउंड वेव क्या हो जा रही है, बेंड कर जा रही है, ठीक है, बेंड कर रही है, राउंड्स इट्स कर्वेचर। देखिए अर्थ का जो कर्व पाथ है, इसी कर्व पाथ में क्या हो रही है, बेंड कर जा रही है, ये देखिएगा यहां पर, है ना। बिकॉज ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो अर्थ है और ये जो एटमॉस्फेयर है इनके बीच में इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब हर जगह पर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा, प्रोपोगेट करेगा। अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती है ना, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राउंड वेव है आपकी, उस इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी के कारण ये क्या करती है, बेंड कर जाती है, इस तरह से मैंने लिखा ना, बेंड राउंड इट्स कर्वेचर, इसके कर्वेचर के राउंड क्या करती है, ये बेंड करती है, नंबर एक। इस तरह से आपकी जा रही है, ये बेंड करती चली जा रही है, नंबर एक बात है। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने यहां पर लिखा है, ये सेकंड पॉइंट्स को मैं चर्चा कर रहा हूं, ग्लाइड्स ओवर द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंपोनेंट से बनी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इंड्यूस द चार्ज, वो चार्ज को इंड्यूस कर देता है, कहां पर, इन द अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस में। अब आप जानते हैं चार्ज इंड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट डेवलप होगा, डेफिनेटली करंट डेवलप होगा। आप बोल सकते हैं करंट फिर मुझे लगता क्यों नहीं, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ करंट, वो नहीं होता है। जरा गौर से देखिए, एज ग्राउंड वेव ट्रेवल, जो अब ग्राउंड वेव आपने भेजा है लो फ्रीक्वेंसी वाली, तो इंड्यूस चार्ज जो होगा, क्योंकि ग्राउंड वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो जो इंड्यूस चार्ज, जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ना, वो भी ट्रेवल करेगा कहां, इन द अर्थ। इस तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर यहां से ट्रेवल कर रहा है, मतलब ग्राउंड वेव जब ट्रेवल कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल किया जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो चार्ज के ट्रेवल करने से इस सरफेस पर क्या डेवलप हो जाएगा, यहां पर करंट, और करंट डेवलप होने से क्या होता है, सो द ग्राउंड वेव पास ओवर दैट, जैसे जैसे पास करेगा, करंट डेवलप होने से एनर्जी का लॉस होना शुरू होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी डाई करती चली जाएगी, मतलब ग्राउंड वेव का एटेन्यूएशन होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड वेव का स्ट्रेंथ कम होना शुरू होगा और ग्राउंड वेव डाई कर जाएगी। मैंने लिखा है यहां पर, है ना, कि सरफेस इट इज वीकेंड, जैसे जैसे आगे बढ़ती है
तो क्या हो जाता है कि वीक पड़ती चली जाती है. क्यों? ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्प्शन. पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है. किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? तो अर्थ के द्वारा होता है. ठीक है, तो ये एक कारण था. दूसरा बात है डिफ्रेक्शंस, जो आपने लाइट्स में पढ़े हैं. डिफ्रेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा एटीन्यूएशन होता है. मैंने पढ़ाया था पिछला या पिछला का, जब सेंसर ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने बताया था, मैंने सोडियम आपको बताया था एटीन्यूएशन क्या होता है. इट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द एटीन्यूएशन. जब कोई भी सिग्नल चलती है तो अपने स्ट्रेंथ को लॉस करती है. उसी लॉस को कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं. तो यहां भी बहुत ज्यादा एटीन्यूएशन होता है ना. यहां पर जो एटीन्यूएशन होता है सबसे ज्यादा डिफ्रेक्शन के कारण होता है ना. अच्छा, आप एक कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये दोनों एंटीना क्लोज और रहने का कोई कारण है? बिल्कुल, एक ऑब्स्टेकल भी होता है क्योंकि अर्थ एक कर्व्ड पाथ है. अगर आप इस एंटीना को यहां अगर आप रख दो और अगर इस एंटीना को अगर आप यहां रख दो तो जो वेव जो चलेगी सरफेस टू सरफेस तो यहीं आके डाई कर जाएगी, यहां पे पहुंच ही नहीं पाएगी. इसलिए ग्राउंड वेव कम्युनिकेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन बहुत ज्यादा क्या हो, नजदीक हो. इसके बहुत ज्यादा फायदे नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है. डिसएडवांटेज है कि इसको पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा लगते हैं ग्राउंड वेव को. ठीक है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा अगर पावर अगर आप दे देते हैं तो फिर कम्युनिकेशन बहुत दूर तक भी आप कर सकते हैं. लेकिन इसकी जो सबसे सुंदरता है ग्राउंड वेव की, कभी आप लोकल रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अपनी सुने तो देखेंगे जल्दी सिग्नल मरता नहीं है. वो इसलिए नहीं मरता, रीजन उसके लिए सबसे बड़ा क्या हो जाता है कि इसको एटमोसफेयर के चेंजिंग से बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं वो कई किलोमीटर ऊपर हमारे होते हैं तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैंने लिखा है यहां पर एडवांटेज में कि इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चेंज से बहुत ज्यादा इसको जनरली प्रभाव नहीं पड़ता है ना. और गिवन थ्रू, जब इसको अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप पावर दे देते हैं ट्रांसमिटिंग पावर, तो इट कैन यूज फॉर एनी टू लोकेशन ऑफ अर्थ. अगर ट्रांसमिटिंग पावर बहुत ज्यादा अगर दे दिया जाए, जो पावर रेडिएशंस होती है, ठीक है, तो फिर आप बहुत लंबे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इन जनरली हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत लोकल एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको मीडियम वेव भी कहा जाता है. तो ये हमारा ग्राउंड वेव है. ग्राउंड वेव क्या है? बहुत छोटे रेंज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ग्राउंड वेव के लिए जरूरी है कि हमारा दोनों एंटीना क्या होना चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए, है ना. ग्राउंड वेव में जब वेव यहाँ से चलती है तो धीरे 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 एटीन्यूएट होती है, है ना, ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. साथ साथ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है, धरती का अर्थ सरफेस उसको ऑब्जर्व करता है, जिस वजह से क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज. और जब ग्राउंड वेव चलेगा तो मतलब वो चार्ज भी ट्रेवल करेगा, मतलब करंट डेवलप होगा. करंट की वजह से बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है और धीरे धीरे ग्राउंड वेव का पावर लॉस होने की वजह से वो ग्राउंड वेव आपका क्या हो जाता है, बीच में कहीं डाई करता है. इसलिए इन दोनों स्टेशन के नजदीक होने की बहुत सख्त जरूरत है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए. तो ये जो रूम का मैंने एग्जांपल लिया था कि बल्ब को आपने क्या किया था, ग्राउंडली रोल करा दिया था एक पर्सन से दूसरे पर्सन. अब जो दूसरा कम्युनिकेशन हमारा कि एकदम स्ट्रेट इस तरह से हम इसको फेंकेंगे, लाइक दिस, ठीक है, एकदम स्ट्रेट मैंने बॉल्ब फेंका सामने वाले को मिला, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों LOS कम्युनिकेशन या स्पेस वेव कम्युनिकेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन. कई सारे इसके नाम है, हम लोग इस पर आते हैं. पहले हम लोग का एक ग्राउंड वेव था जो आपके सामने है. अब हम लोग चलेंगे अगले कम्युनिकेशंस के पार्ट पर. एक बार इसको आप लोग देखिए. वेल, तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशंस के बाद अब अगला जो हमारा प्रोपोगेशन है वो है स्पेस वेव प्रोपोगेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन, क्योंकि जो हमारा एटमोसफेयर का जो नीचे वाला लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी सीमा ट्रोपोस्फेयर तक ही होगी, ठीक है. तो इस कम्युनिकेशंस को, प्रोपोगेशन को हम लोग स्पेस या फिर ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन कहते हैं. जैसे मैंने कहा था कि बाल को उठाते हैं आप और इस तरह से स्ट्रेट फेंकते हैं, स्ट्रेट सेंडर टू रिसीवर. देखिए मैंने इस डेफिनेशन स्पेस वेव का लिखाया है. मैंने क्या लिखाया कि मान लो कि आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, गौर से देखना, या ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये हमारा रिसीविंग एंटीना है. अगर रेडियो वेव ट्रांसमिटेड होता है कहां से, एंटीना से ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन. देखिए ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल किया, डायरेक्टली रीचेज द रिसीविंग एंटीना. और डायरेक्टली कहां रीच करता है, रिसीविंग एंटीना. गौर से सुनना, रेडियो वेव यहां से निकला स्ट्रेट लाइन चलते हुए डायरेक्टली कहां पहुंचा,
रिसीविंग एंटीना, इसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेस वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस वेव। एक तो यह है कि यह डायरेक्ट वेव है, दूसरा है कि आपका सेकंड में क्या होता है कि पहले ट्रांसमिटिंग एंटीना से अर्थ के किसी पॉइंट पर जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर कहां जाता है, रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो इसलिए यह दो फॉर्म में काम करता है, एक तो डायरेक्ट वेव प्रोपोगेशन हो गया आपका, और दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड वेव प्रोपोगेशन है। रिफ्लेक्टेड वेव प्रोपोगेशन दो पार्ट में हमने इसको बांटा है, इसका यूज होता है एक तो लाइन ऑफ साइट डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरा होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले तो ये फिर से समझो कि स्पेस वेव होता क्या है। तो स्पेस वेव जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालते हैं, ये स्ट्रेट प्रोपोगेट करता है, और कौन से स्फीयर से जाएगा, ट्रोपोस्फेरिक, जो ट्रोपोस्फेयर हमारा स्ट्रेट प्रोपोगेट करेगा, और सीधे कहां जाएगा आपका, रिसीविंग एंटीना। इसी वेव को हम लोग स्पेस वेव प्रोपोगेशन कहते हैं, है ना। ये दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो डायरेक्ट है, और दूसरा पहले ट्रांसमिटिंग स्टेशन से अर्थ के किसी पॉइंट पर, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके कहां पर, हमारे रिसीविंग एंटीना पर। इसकी लिमिटिंग है, इसकी लिमिटेशन है, मैंने यहां पर लिखा है रेंज ऑफ स्पेस वेव इज लिमिटेड बाय। स्पेस वेव के रेंज को आप कैसे लिमिट कर सकते हैं, तो पहला में लिखा हुआ द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, मतलब ये तो जैसे जो आपका रेंज है कि भैया इससे ज्यादा आप डायरेक्ट कांटेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं दोनों स्टेशन के बीच में, इसके लिए जरूरी है कि एकदम आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट एकदम इस तरह से कांटेक्ट होना चाहिए पहला। और दूसरा बात है द डिस्टेंस एट विच ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना कैन सी ईच अदर, इसी को पहला पॉइंट जिसको मैंने बोला। और दूसरा है द कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का कर्वेचर है, तो पहले अर्थ के एक पॉइंट पर गया सिग्नल, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहां पर जा रहा है, रिसीविंग एंटीना पर। तो मोटा मोटी स्पेस वेव का क्या कॉन्सेप्ट है पहले ये समझते हैं। स्पेस वेव के लिए ट्रांसमिटिंग एंटीना रिसीविंग एंटीना को डायरेक्ट देख पाए, ठीक। स्पेस वेव कम्युनिकेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके डायरेक्ट कहाँ जाती है, रिसीविंग एंटीना जाती है, है ना। इसको दो तरीके से प्रोपोगेशन है, डायरेक्ट वेव और दूसरा है रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब ये पहले यहाँ से अर्थ के किसी पॉइंट पर, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीविंग एंटीना पर। ये जो टेलीविजन वगैरह, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आपको एंटीना का रेंज पता होना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आखिर रेंज ऑफ एंटीना कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे कैलकुलेट करें एग्जाम में जो इस बार आने वाला है, रेंज ऑफ एंटीना। जरा गौर से देखो, आप यहां पे इमेजिन करो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। दो स्टेशंस मैंने लिए हैं, ये हमारे ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और ये हमारा रिसीविंग स्टेशन है। जरा गौर से देखिएगा, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन और ये जो हमारा रिसीविंग स्टेशन, इसको हम पॉइंट P मानते हैं और इसको पॉइंट हम Q मान लेते हैं। आप ऐसे समझ जाओ कि ये हमारा रिसीविंग स्टेशन है जिसको हमने पॉइंट Q माना है, और ये जो हमारा, क्लीन करके मैं बता रहा हूं आपको, इस बार डेरिवेशन आएगा, और ये जो हमारा है वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, इसको हम लोग पॉइंट पी मानते हैं। ये देखो आप, डायरेक्ट कांटेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होता है यहां पर, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह करना है आपको, तो पहले एक एंटीना डिसाइड कर दे, मान लो कि ये एंटीना है, क्या है, एंटीना है, इसका हाइट मान लेते हैं आप, कितना हाइट मान लिए हैं, एच। जरा गौर से देखना, अब अगर ये अर्थ है तो अर्थ का आपका रेडियस भी होगा, तो ये रेडियस कितना हो गया, आर। तो ये देखो, ये आपका एंटीना है, आपने यहां से सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा, यहां पे यहां गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पहुंचना है इसको, इसको यहां जाना है क्यू पे। देखिए, हम ये रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि किस रेंज तक स्पेस वेव हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकता है, मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना जा सकता है, वो रेंज हमारा क्या होगा, वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो, आप मान लीजिए
इस एंटीना से यहां की दूरी क्या है? डी है। अब देखो, ये आपका अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस अर्थ का कितना आपका आर, गौर से देखना, ये आपकी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रही है, ये आपका ओ है, ये क्यू है, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, टी। जरा गौर से देखना, तो ये ओ हो गया, ये क्यू है, और ये आपका क्या है, टी है। ये राइट एंगल के फॉर्म में है ना। अगर मैं बोलूं यहां से कि फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन है भाई, तो ओ क्यू टी। इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हम बात करें तो क्या बोल, नियम क्या हो रहे हैं हमारे, जरा आप गौर से देख लीजिएगा कि भैया ये आपके हो गए ओ टी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू टी स्क्वायर। इस इसको आपको समझना होगा, इस चीज को आप ऑब्जर्व करके आप देखेंगे यहां पर कि ये ओ टी स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपके क्यू टी स्क्वायर। अब ओ क्यू का मतलब कितना हो गया, यहां से यहां तक आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये एंटीना का हाइट एच, तो पूरा क्या लिख सकते हैं आप, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओ क्यू, ओ से क्यू, ये रेडियस है अर्थ का आर स्क्वायर, और क्यू टी, क्यू टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डी स्क्वायर बराबर इन दोनों में से आप चाहो तो एच कॉमन ले लो आप, अगर आप h कॉमन लेते तो यहां पे कितना बच रहा है आपका, 2r बच रहा है, और प्लस यहां पे क्या बच रहा है आपका, h बच रहा है। इस स्टेप्स को आप गौर से जब ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको अगर आप देख रहे होंगे, आप ऐसा कर सकते एक स्टेप और आप ले लें, यहां से आप 2r को भी बाहर ले लें, तो ये कितना हो गया 2rh, यहां पे कितना बचेगा 1 और यहां h, अब तो 2r यहां था नहीं तो बाई हम लोग क्या कर देंगे यहां पर 2r। ठीक है, अब देखो सिंस अर्थ का जो रेडियस है लगभग 64 किलोमीटर होते, ये उस एंटीना टावर के हाइट से बहुत 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 बड़ा है, तो इसलिए ये बहुत छोटा टर्म है और ये 2r बहुत बड़ा टर्म है, तो डी स्क्वायर बराबर कितने हो गए आपके 2rh, या d बराबर अंडर रूट ऑफ 2rh, ये रेंज ऑफ एंटीना होगा, इतना होना चाहिए मान, तब जाकर के आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशंस पॉसिबल है। तो ये था हमारा बच्चों स्पेस वेव। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेस वेव में जो रेंज ऑफ एंटीना क्या होना चाहिए, हमने क्या मान लिया, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, ये हमने रिसीविंग स्टेशन माना है ना, यही हमारा मान लिया रेंज है हमारा, ये एक टावर मान लिया एच हाइट का, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रिसीविंग एंटीना आया, ये धरती का रेडियस है, ये T से लेकर के यहाँ O, रेडियस तो हर जगह सेम होगा तो ये भी R होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ की स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपके क्यू टी स्क्वायर। ओ टी की जगह मैंने क्या पुट किया, आर प्लस एच होल स्क्वायर, ओ क्यू की जगह मैंने क्या पुट किया, आर स्क्वायर, और क्यू टू की जगह मैंने क्या पुट किया, डी स्क्वायर। अब इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, डी स्क्वायर बराबर पहले एच कॉमन ले लिया, फिर 2r भी बाहर ले लिया, तो यहां पे सिर्फ 1 बच गए, यहां पे 2r नहीं था तो नीचे 2r दे दिया, r बहुत बड़ा ऐसे ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया, डी स्क्वायर बराबर 2rh या d बराबर क्या हो गया हमारे अंडर रूट 2rh। तो ये हमारे हो गए क्या हो गया आपके, इस एंटीना का रेंज निकल गया। तो ग्राउंड वेव हम लोग समझ गए, स्काई स्पेस वेव हम लोग समझ गए, एंड द लास्ट थिंग अब हम लोग चलने जा रहे हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन, आइए देखते हैं। वेल, तो ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव के बाद स्काई वेव, स्पेस वेव, एंड द लास्ट थिंग इज स्काई वेव प्रोपोगेशन, जिसको हम लोगों को अभी डिटेल जानना है कि आखिर इस प्रोपोगेशन का क्या रोल है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो था वो हमारा स्पेस वेव प्रोपगेशन था, जो सेकंड वाला हमने देखा था, पहला ग्राउंड वेव था, उसके बाद जो था हमारा स्पेस वेव प्रोपगेशन था, और अब जो बारी है वो हमारे स्काई वेव प्रोपगेशन की बारी है। उस स्काई वेव को स्टडी करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसमें दो तीन बातें समझनी होंगी आपको। जो स्फीयर यहां पे लिखा हुआ आयनोस्फीयर, ये हमारे वातावरण का सबसे ऊपरी सरफेस है, जो लगभग 60 किलोमीटर से आप ऊपर चलो और 365 किलोमीटर तक जाकर के ये हमारा आयनोस्फीयर एंड होता है। अभी हम लोग वेव पे नहीं आते, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो सन के तो वो नजदीक है, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं या सन से जो वहां पर एक्स रेज आती हैं, तो वहां पर का प्रेशर, जब आप ऊपर जा रहे हैं प्रेशर वहां का लो होता है, कम होता है। तो लो प्रेशर होने की वजह से जो वहां से जो रेज आती हैं सन से, वो उस वातावरण के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं और आयंस में बदल देती हैं। मतलब वहां पर आयंस कंस्टिट्यूएट होता है वहां पे पूरा का पूरा, इसलिए उस स्फीयर का क्या नाम पड़ा, आयनोस्फीयर पड़ा, है ना। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी चलती है इस स्काई वेव प्रोपगेशन में, जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से वेव चली। एक बात याद रखना, जनरली स्काई वेव प्रोपोगेशन में 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक के वेव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक का। वैसे आप अप टू 40 मेगाहर्ट्ज तक जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज बेटर टू यूज फॉर द स्काई वेव कम्युनिकेशन प्रोपोगेशन, द रेंज मस्ट बी 2 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज। तो जब आप वेव को अगर आप भेजते हैं तो होता क्या है ये समझना। ये जब वेव यहां से जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहां पे तो जब आयन है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट कराता है, और ऑसिलेट कराता है तो होता क्या है कि नीचे का लेयर, इस चीज को ऑब्जर्व करना, यह हमारा आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर के भी कई लेयर्स होते हैं, मैं उतना डीप नहीं जा रहा, आपके एग्जाम में उतना डिटेल जाना नहीं है। ये जो नीचे का इलाका है ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर हो जाता है, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये जो आयनोस्फीयर होता है ये रेयरर हो जाता है। देखो ये आपका रेयरर हो गया ये वाला इलाका, और ये जो हो गया आपका डेंसर हो गया। और आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई रे चलती है तो एक सर्टेन एंगल से जब इंसिडेंट करेगी, है ना, सरफेस पर एक कोई लेयर होगा यहां पर, तो अगर एक सर्टेन एंगल पर, इंसिडेंट एंगल पर, तो टोटल की टोटल फिर क्या होगी, उसी मीडियम में जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में क्या होती है, वापस आती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब सुनो, जब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई एक सर्टेन क्रिटिकल एंगल से जब लेयर पर गिरती है, वहां पर की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसका मान होता है 9 × 10^(½)/2। इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से यहां पर गई, मान लो एक क्रिटिकल एंगल बना होगा आपका, है ना, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, जिस क्रिटिकल एंगल से जब वेव यहां पर पड़ी होगी तो तुरंत क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट बैक हुई होगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से चली थी। तो ये तो हमारा ट्रांसमिटिंग स्टेशन था, ये हमारा रिसीविंग स्टेशन है। वेव रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ के किसी पॉइंट पर आपका वेव आकर के क्या हो रहा है, रिसीव हो जा रहा है रिसीविंग स्टेशन से। तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, आयनोस्फीयर में आयंस होते हैं, क्यों होते भाई, तो सबसे अपर लेयर है, सन ब्रेक करता है, उसके अल्ट्रावायलेट रेज, उसके एक्स रेज आयंस में तोड़ देती है उस मीडियम को, है ना, आयोनाइज्ड मैटर वहां पे मौजूद होते हैं, वहां पर का प्रेशर लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाती है वहां पर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की घटना होती है, वो उस मीडियम को रेयरर बना देता है नीचे वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सर्टेन एंगल से अगर इंसिडेंट होती है तो डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम, अब क्रिटिकल एंगल पर गिरने के बाद फिर टोटली क्या हो जाती है आपकी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। और इस तरह से आपका बच्चों स्काई वेव या आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन पॉसिबल होता है। जनरली अगर 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर का अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज दिया तो फिर इट विल पेनिट्रेट दिस आयनोस्फेयर एंड पास आउट, या इवन आप 30 मेगाहर्ट्ज के अगर जब ऊपर जाते हैं आप तो हल्की बेंडिंग होती है,
अगर आप एक वेव लेके चले, यहाँ से कोई वेव गया वो हल्का इसे बेंड हो जाएगा लाइक दिस, है ना, कोई वेव यहाँ से निकल गया हल्का ऐसे बेंड होगा। अगर आप जैसे 20 या 25 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर आप क्रॉस करते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना, तो फिर आपका जो बेंडिंग होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका जो स्काई वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 2 मेगाहर्ट्ज से कहां तक होनी चाहिए, 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। तो ये था, और उस समय जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी FC बराबर 9 × n⁻⁴, और पावर में आपका क्या हो गया, हाफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इस चीज को आपको जानना है। अब यहां पर एन मैक्स क्या है, तो एन मैक्स को हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैंने यहां पर लिखा है कि जब रेडियो वेव डायरेक्टेड टुवर्ड द स्काई, स्काई के लिए डायरेक्टेड होती है।